बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब खैरियत से होंगे। द स्टूडेंट्स, बेसिकली आज हम लोगों ने जो नया टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज़ फॉर्मेटिंग फीचर फॉर पेज फॉर्मेटिंग। जैसे कि आपने बात की, हम लोग ना वर्ड प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं। वर्ड प्रोसेसिंग में हमने डिफरेंट वर्ड प्रोसेसेस की बात की। वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, उसके बाद हमने इसके एडवांटेजेस देखे ओवर टाइप राइटर। फिर हमने डिफरेंट दो तरह के वर्ड प्रोसेसेस की बात की। सिंपल वर्ड प्रोसेसर के फीचर्स को स्टडी किया, और उसके बाद हम लोगों ने फुल फीचर्स वर्ड प्रोसेसर के बारे में पढ़ा। फिर हमने डिफरेंट चीज़ें देखी, वर्ड प्रोसेसर के इंटरफेस को स्टडी किया। फिर हमने फॉन्ट्स को देखा, पैराग्राफ्स को देखा, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, फॉन्ट के लिए क्या क्या अपीयरेंस ज़रूरी है। फिर आपने अगर टेक्स्ट को एडिट करना है, टेक्स्ट को इंसर्ट करना है, तो आप किस तरह करेंगे। तो बेसिकली हमने काफ़ी कुछ देख लिया, ठीक है। और इसी तरह आज हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट करना है, वो है हमारे पास फॉर्मेटिंग फीचर ही, लेकिन वो है पेज फॉर्मेटिंग के हवाले से, ठीक है। आपने डिस्क्राइब करना फॉर्मेटिंग फीचर फॉर पेज फॉर्मेटिंग, ठीक है। पेज फॉर्मेटिंग के लिए जो फॉर्मेटिंग फीचर्स है, हमने उसको देखना है, उसको पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की बात की, अब आज हम लोगों ने पेज फॉर्मेटिंग की बात करनी है, ठीक है। तो पेज फॉर्मेटिंग एक्चुअल में क्या होता है, हम इसको देखते हैं। पेज फॉर्मेटिंग इज़ अ लेआउट ऑफ द पेज व्हेन इट इज़ प्रिंटेड ऑन अ प्रिंटर। पेज फॉर्मेटिंग क्या होता है, ये एक लेआउट ऑफ द पेज होता है। जब प्रिंटर ने किसी भी चीज़ को प्रिंट आउट लेना होता है, तो जो लेआउट आपका पेज का होता है, दैट इज़ कॉल्ड पेज फॉर्मेटिंग, ठीक है। इट इंक्लूड्स पेज साइज, पेज ओरिएंटेशन, पेज मार्जिन्स, हेडर्स एंड फुटर्स एट्सेट्रा। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें पेज का साइज़ आ जाता है, पेज की ओरिएंटेशन आ जाती है, पेज के मार्जिन आ जाते हैं, इसका हेडर आता है, इसका फुटर आता है। पेज फॉर्मेटिंग इज डिफाइंड इन पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। और पेज फॉर्मेटिंग को हम कहाँ डिफाइन करते हैं, इन अ पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। तो बेसिकली पेज फॉर्मेटिंग क्या होता है, जब आपने पेज का प्रिंट आउट लेना होता है, जब आपने किसी भी पेज को प्रिंट आउट फॉर्म में, हार्ड फॉर्म में उसको प्रिंट लेना होता है, तो आप क्या करते हैं, आप उस पेज के बारे में क्या करते हैं, आप जो है उसको प्रिंट आउट लेते हुए उसके लेआउट को देखते हैं, ठीक है। लेआउट को देखते हुए आप क्या करते हैं, क्या लेआउट को देखते हैं, जहाँ पे आपका जो टेक्स्ट, जिसका भी हमने प्रिंट आउट लेना है, उसकी पोजीशनिंग को देखते हैं, पोजीशनिंग कैसी होगी। उसके बाद आप इसके अंदर देखते हैं कि आपका जो पेज है उसका साइज़ क्या होगा, प्रिंट आउट लेने के बाद वो किस तरह दिखेगा। तो ये सारी होती हैं चीज़ें पेज फॉर्मेटिंग के हवाले से, ठीक है। और इसके अंदर जो डिफरेंट चीज़ें हम देखते हैं, उसके अंदर आ जाते हैं, सबसे पहले पेज का साइज़ आ जाता है, कि पेज के साइज़ के हवाले से यह बात है। फिर पेज की ओरिएंटेशन देखते हैं, पेज के मार्जिन सेलेक्ट होते हैं। फिर हेडर्स और फुटर्स को हम लोग देखते हैं। पेज फॉर्मेटिंग को भी हम जो डिफाइन करते हैं, वो होता है पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो हम अब वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं कि पेज साइज़ क्या होता है, पेज ओरिएंटेशन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले पेज साइज़, द लेंथ एंड द वेड्थ ऑफ द पेज ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड पेज साइज़। जो भी पेज, जिस भी डॉक्यूमेंट का पेज जिसके ऊपर आप काम करें, या फिर जो भी डॉक्यूमेंट का पेज, उसकी जो भी लेंथ होगी, जो भी वेड्थ होगी, उसको हम कहते हैं पेज का साइज, ठीक है। द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ पेज ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड पेज साइज, उसको हम क्या कहते हैं, पेज साइज। पेज साइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फॉर्मेटिंग ऑफ द पेज। जो पेज साइज है, वो फॉर्मेटिंग, जब भी हमने किसी पेज की फॉर्मेटिंग करनी हो, तो पेज साइज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। पेज साइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फॉर्मेटिंग ऑफ द पेज। पेज फॉर्मेटिंग चेंजेस अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द पेज। जो पेज की फॉर्मेटिंग होती है, वो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द पेज। पेज का जो भी साइज होता है, उसके अकॉर्डिंग या उसके हिसाब से जो आपके पेज की फॉर्मेटिंग होती है, उसको चेंज किया जाता है। चेंजिंग द साइज ऑफ द पेज कैन डिस्टर्ब द फॉर्मेटिंग ऑफ द होल डॉक्यूमेंट। जब आप पेज के साइज को चेंज करते हैं ना, तो पूरे या होल डॉक्यूमेंट की जो फॉर्मेटिंग होती है, वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। जब आप पेज के साइज को चेंज करें, तो आपका जो होल डॉक्यूमेंट होता है, उसकी जो फॉर्मेटिंग होती है, वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है, आपकी पोजिशनिंग ख़राब हो जाती है। तो पेज फॉर्मेटिंग जो उनसे होती है ना, वो क्या होती है एक्चुअल में, साइज ऑफ द पेज को चेंज करना, जो पेज फॉर्मेटिंग का मतलब चेंज करना अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द पेज। और अगर आप साइज ऑफ द पेज को चेंज कर रहे हैं, तो वो डिस्टर्ब कर देगी पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर आपकी फॉर्मेटिंग को, ठीक है। तो इट इज़ बेटर टू सेट द पेज साइज बिफोर फॉर्मेटिंग इट।
इसलिए यही बेटर है कि आप पहले पेज साइज को सेट करें, बाद में आप इसकी फॉर्मेटिंग करें, क्योंकि एक पेज के हवाले से आप फॉर्मेटिंग जो है ना अपने पॉसिबल बनाते हैं, ताकि जब आप उसका प्रिंट आउट लें तो आपका जो लेआउट है वो किस तरह दिखे, किस पेज पे आना चाहिए, तो इस हिसाब से आपने उसकी एडजस्टमेंट करनी होती है। उसके बाद हमारे पास आती है सेकेंड चीज़, दैट इज़ पेज ओरिएंटेशन। ठीक है, पेज ओरिएंटेशन में क्या होता है, द डायरेक्शन इन विच डॉक्यूमेंट इज प्रिंटेड ऑन द पेपर इज कॉल्ड पेज ओरिएंटेशन। जिस भी डायरेक्शन में आपने अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाना है पेपर के ऊपर, ठीक है, जिस भी डायरेक्शन के अंदर आपने अपने डॉक्यूमेंट को पेपर के ऊपर प्रिंट करवाना है, उसको हम कहते हैं पेज ओरिएंटेशन। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, पेज ओरिएंटेशन। द डायरेक्शन इन विच अ डॉक्यूमेंट इज प्रिंटेड ऑन द पेपर इज कॉल्ड पेज ओरिएंटेशन। द डॉक्यूमेंट कैन बी प्रिंटेड ऑन द पेपर इन टू वेज। अब दो तरह से हम लोग ना पेपर के ऊपर जब डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाना हो तो हम दो तरह से डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवा सकते हैं। पेज ओरिएंटेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट इज डिफाइंड इन द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। और जो पेज ओरिएंटेशन जो भी डॉक्यूमेंट की पेज ओरिएंटेशन है उसको भी हम सेलेक्ट करते हैं या डिफाइन करते हैं इन अ पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के अंदर जाके। ठीक है, डिफरेंट पेज ओरिएंटेशन आर एज फॉलोज। अब जो डिफरेंट पेज ओरिएंटेशन है जो हमें वर्ड प्रोसेसर प्रोवाइड करता है वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले आती है आपके पास पोर्ट्रेट। ठीक है, पोर्ट्रेट क्या होती है, इट मीन्स दैट अ पेपर इज टॉलर देन इट इज विड्थ वाइड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पेपर है वो आपका लंबा है, उसकी विड्थ से ज़्यादा लंबा है, उसका पेपर की जो टॉलनेस है, पेपर की जो हाइट है वो ज़्यादा लंबी है एज कम्पेयर टू इट्स विड्थ। मोस्ट लेटर्स आर प्रिंटेड इन पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। ज़्यादातर हम जब लेटर्स को प्रिंट आउट करवाते हैं तो हम पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, प्रिंट करते हुए हम किसको देखते हैं, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो पेपर की लंबाई होती है, लेंथ होती है, वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इट्स विड्थ। तो विड्थ कम होने की वजह से और पेपर की लंबाई ज़्यादा होने की वजह से जो ज़्यादातर हम लोग जब लेटर्स को प्रिंट करवाना होता है तो हम लोग क्या सिलेक्ट करते हैं, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। उसके बाद आते हैं आपके पास लैंडस्केप। इट मीन्स दैट द पेपर इज़ वाइडर देन इट इज़ टॉल। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका पेपर है उसकी विड्थ ज़्यादा है, उसकी विड्थ क्या है, ज़्यादा है उसकी लंबाई से। ठीक है, लंबाई कम है उसकी विड्थ ज़्यादा है। टेबल्स विद अ लार्जर नंबर ऑफ कॉलम्स आर ऑफन प्रिंटेड इन अ लैंडस्केप ओरिएंटेशन। ऐसे ज़्यादातर टेबल्स होते हैं जिसके कॉलम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा होते हैं, फिर जब आप उन्हें प्रिंट करवाने लगते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, आप लैंडस्केप ओरिएंटेशन को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, लैंडस्केप ओरिएंटेशन क्या होता है, लैंडस्केप ओरिएंटेशन आपको लेटे हुए जिस सेंस में आपके जो पेपर होता है ना उसको डिस्प्ले करके देगा, क्योंकि टेबल की ओरिएंटेशन जो जो स्टाइलिंग होती है वो कुछ इस तरह होती है कि उसके कॉलम की वजह से उसकी जो विड्थ है ना वो बढ़ती है। ठीक है, उसकी हाइट इतनी बढ़े ना बढ़े उसकी विड्थ बढ़ती है, उस केस के लिए आप जो है ना लैंडस्केप ओरिएंटेशन को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी हमने दो फीचर्स पढ़े पेज फॉर्मेटिंग में। सबसे पहले देखा हम लोगों ने पेज साइज़ को, जो कि एक डॉक्यूमेंट में पेज साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें पेज की लेंथ और विड्थ काउंट की जाती है। और उसमें क्या होता है कि जब आप लेंथ और विड्थ को या साइज़ को चेंज करते हैं तो आपकी जो फॉर्मेटिंग होती है पेपर की, होल डॉक्यूमेंट की, वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो फिर आपको फॉर्मेटिंग बरकरार रखने के लिए सबसे पहले पेज को एडजस्ट करना पड़ता है, पेज साइज़ को एडजस्ट करें और आफ्टर इट आप अपने डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग करें। फिर बात आती है आपके पेज की ओरिएंटेशन की। अब पेज ओरिएंटेशन में देखते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद पेपर पर किस फॉर्म में आएगा, किस डायरेक्शन में आएगा, उसको कहते हैं पेज ओरिएंटेशन। अब इसके दो मेथड्स होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट जब आपके पेपर की लेंथ ज़्यादा है, आपके पेपर की हाइट ज़्यादा, टॉल है पेपर और आपकी विड्थ कम है, तो आप पोर्ट्रेट में शो करते हैं। और पोर्ट्रेट ज़्यादातर लेटर्स जब हम लोग प्रिंट आउट लेते हैं लेटर्स का तो हम लोग पोर्ट्रेट को यूज़ करते हैं, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन को। लेकिन लैंडस्केप क्या होता है, लैंडस्केप में जब आपकी जो टॉलनेस होती है वो कम होती है लेकिन आपकी जो विड्थ होती है पेपर की वो ज़्यादा होती है, तो उस केस में हम लोग जो है ना लैंडस्केप ओरिएंटेशन को सिलेक्ट करते हैं। और ये ज़्यादातर जब आपके टेबल्स होते हैं जिन टेबल्स के अंदर आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा होते हैं, फिर जब आपने उसको प्रिंट आउट करवाना होता है तो आप किसको सेलेक्ट करते हैं, आप सेलेक्ट करते हैं लैंडस्केप ओरिएंटेशन को। ठीक है,
उसके बाद आपके पास थर्ड चीज़ आती है पेपर फॉर्मेटिंग के अंदर, पेज फॉर्मेटिंग के अंदर हेडर एंड फुटर। ठीक है, अब हेडर एंड फुटर क्या होते हैं? हेडर एंड फुटर, हेडर इज टेक्स्ट दैट इज एडेड टू द टॉप मार्जिन ऑफ एवरी पेज। हर पेज के टॉप मार्जिन में जब आपने देखा होता है टेक्स्ट कोई भी, किसी भी पेज में टॉप मार्जिन पे जो आपका टेक्स्ट लिखा होता है उसको हम कहते हैं हेडर। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, हेडर। इट इंक्लूड्स डॉक्यूमेंट टाइटल और पेज नंबर। अब इसके अंदर आपका डॉक्यूमेंट टाइटल भी हो सकता है या पेज नंबर भी मेंशन हो सकता है। फुटर इज टेक्स्ट दैट इज एडेड टू द बॉटम मार्जिन। और फुटर एक ऐसा टेक्स्ट होता है जो कि आपके बॉटम मार्जिन पे ऐड होता है, बॉटम सबसे एंड पे जाके आपको जो ऐड होता है टेक्स्ट फॉर्म में कुछ, उसको हम कहते हैं फुटर। ठीक है, तो हेडर आपको होता है पेज के टॉप मार्जिन पे जो टेक्स्ट ऐड होता है उसको हम कहते हैं हेडर, और जो आपका पेज होता है उसके बॉटम मार्जिन होता है उसको हम उसमें जो टेक्स्ट ऐड होता है उसको कहते हैं फुटर। अब हेडर और फुटर को हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। हेडर और फुटर एक्चुअल में क्या होते हैं? हेडर इज अ टेक्स्ट दैट अपीयर्स एट द टॉप ऑफ ईच पेज, फुटर इज अ टेक्स्ट दैट अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ ईच पेज। टॉप पे जो शो होगा वो आपका हेडर होगा और जो बॉटम पे शो होगा दैट इज फुटर हर पेज के। ठीक है। होता क्या है कि हेडर्स एंड फुटर सेव टाइम टू एंटर द सेम आइटम इन पेजेस अगेन एंड अगेन। आपको पता है कुछ कंपनी लोगोज होते हैं जो कि आपको अगेन एंड अगेन हर पेज पे शो करने होते हैं, शो बताने होते हैं हर पेज पे। और इसके अलावा आपके पास कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आप जब ज़्यादा पेजेस स्क्रीन पे जाते हैं तो आपको वो सॉफ्टवेयर के जो टूल बार होते हैं उनको मेंटेन रखना होता है। तो आप क्या करते हैं, आप उन चीज़ों को सेव कर लेते हैं कि आप बार बार उसको जो है अगेन एंड अगेन उसको एंटर ना करें। हेडर और फुटर की मदद से आप उसको एक बार ही फाइनल कर दें ताकि जब भी नई स्क्रीन आएगी, नई विंडो आएगी, तो वो ऑलरेडी डिस्प्ले में होंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि हेडर एंड फुटर फुटर सेव टाइम टू एंटर द सेम आइटम इन पेजेस अगेन एंड अगेन। ये टाइम सेव कर देता है ताकि आप, ये आपका टाइम सेव कर देता है कि जब आपने सेम आइटम को बार बार पेजेस में एंटर करना है, अगेन एंड अगेन एंटर करना है, तो ये आपका टाइम जो है ना वो बचा देता है। डिफरेंट बटन्स ऑन हेडर एंड फुटर टूल बार आर यूज टू इंसर्ट पेज नंबर्स, डेट, टाइम एक्सेट्रा इन हेडर एंड फुटर। अब डिफरेंट टाइप्स के बटन्स होते हैं जो कि आपके हेडर और फुटर टूल बार के अंदर होते हैं मौजूद, और वो किस लिए यूज होते हैं? वो आपके पेज नंबर को इंसर्ट करने के लिए यूज होते हैं, डेट एंड टाइम को इंसर्ट करने के लिए यूज होते हैं हेडर या फुटर के अंदर। ठीक है, हेडर फुटर टूल बार के अंदर आप के पास डिफरेंट बटन होते हैं जो कि यूज करते हैं, जो कि हेडर और फुटर के अंदर आप डेट या पेज नंबर या टाइम को मेंशन करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद आपके पास है द फॉलोइंग प्रोसीजर इज यूज टू इंसर्ट हेडर एंड फुटर। एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप अपने हेडर और फुटर को ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप करेंगे सेलेक्ट व्यू को, व्यू आपका जो आपका मेन्यू बार होगा वहाँ से आप जाएंगे हेडर एंड फुटर के अंदर। ठीक है, द हेडर एंड फुटर टूल बार विल अपियर। फिर उसके बाद क्या होगा, आपके पास स्क्रीन के ऊपर या मेन्यू बार में हेडर और फुटर जो टूल बार है वो अपियर हो जाएगा। उसके अंदर आपने क्या करना है, टाइप एंड फॉर्मेट द डिजायर्ड टेक्स्ट इन द हेडर। अब हेडर में आपने जो भी चीज़ टाइप करनी है या टेक्स्ट जो भी आप एंटर करना चाहते हैं अपने हेडर में, तो आप उसको टाइप भी कर सकते हैं, आप उसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं, आप उसकी स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, फॉन्ट के साइज को चेंज भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से उसको एडजस्ट कर सकते हैं या अपनी मर्जी से उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपने उसको टाइप किया और उसे फॉर्मेट किया अपनी मर्जी के मुताबिक डिजायर टेक्स्ट को हेडर के अंदर। यूज़ अदर ऑप्शन ऑन टूल बार टू ऐड पेज नंबर, करंट डेट एंड टाइम। और टूल बार पे ही आपके पास दूसरे और ऑप्शंस भी होंगे जिससे आप पेज नंबर भी ऐड कर सकते हैं, करंट डेट को भी ऐड कर सकते हैं, टाइम को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, क्लिक स्विच बिटवीन हेडर एंड फुटर बटन ऑन टूल बार। फिर आपने टूल बार में से एक बटन को क्लिक करना है, स्विच बिटवीन हेडर एंड फुटर, द कर्सर विल मूव इन फुटर। फिर आपका जो हेडर कंप्लीट हो जाएगा तो आपका कर्सर किस पे मूव कर जाएगा, फुटर के ऊपर, जब आप इस बटन को स्विच बटन को टूल बार के ऊपर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्लिक करेंगे, जब स्विच बिटवीन हेडर एंड फुटर बटन को क्लिक किया तो आपका जो कर्सर होगा वो हेडर से निकल के फुटर की तरफ आ जाएगा। टाइप एंड फॉर्मेट द डिजायर टेक्स्ट इन फुटर। फिर आपने फुटर में जो भी टेक्स्ट एंटर करना है, आपने उसकी जो भी फॉर्मेटिंग करनी है, तो आप फुटर में करेंगे जिस तरह आपने हेडर में की थी। क्लिक चूज बटन टू क्लोज द हेडर एंड फुटर टूल बार। फिर
फिर आपने क्या करना है, क्लोज बटन को चूज़ करना है ताकि हेडर और फुटर टूल बार के ऊपर से क्लोज हो जाए। इस तरह आपका जो हेडर और फुटर है वो डिज़ाइन हो जाता है। सो दिस वाज आवर टॉपिक, होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो देन यू मे आस्क। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।